बिहार में 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। हम आपको जेपी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात तब की है जब देश में अभी इमरजेंसी नहीं लगी थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल रहा था। ये इंदिरा गांधी की विफलताओं और कुशासन के खिलाफ जन भावना के रूप में जोर पकड़ रहा था। सभी राजनीतिक दलों में जेपी से जुड़ने की होड़ लगी थी। सिर्फ कम्युनिस्ट उनके साथ नहीं थे, सीपीएम और सीपीआई दोनों ही इंदिरा सरकार को अपना समर्थन देना जारी रखे हुए थे। स्थिति ऐसी थी कि इंदिरा गांधी जेपी आंदोलन से घबरा गई थी और जेपी से बातचीत करना चाहती थी। जेपी इंदिरा से किसी तरह से संवाद से कनी काट रहे थे। ठीक उसी वक्त कैबिनेट मंत्री डीपी धर ने जेपी को मीटिंग के लिए राजी करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के संपादक एस मुलगांवकर की मदद ली। ये मीटिंग पूरी तरह विफल रही। जब देश भर में सुरक्षा बलों की मनमानी की खबर आने लगी थी, किसी छोटे से विरोध को भी संजय गांधी की सह पर सख्ती से कुचला जा रहा। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुलदीप नैयर ने अपनी किताब ए जिंदगी काफी नहीं में बताते हैं कि इन परिस्थितियों से आहत होकर जेपी ने एक अपील जारी की। उन्होंने सेना के जवानों से अपील की कि वे गैर कानूनी आदेशों का पालन करने से इनकार कर दें, जिनके तहत निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था, सरकार के विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा था। जेपी की अपील के बाद इंदिरा गांधी का पर इसका उल्टा असर हुआ। उन्होंने जेपी पर पुलिस और सेना को भड़काने का आरोप लगा दिया। बहुत से बुद्धिजीवी और चापलूस उनके समर्थन में उतर आए। वही जेपी ये नहीं देख पाए थे कि केंद्र और राज्य सरकारों ने सेना और पुलिस को पहले ही अपने अत्याचारों का माध्यम बना लिया था। कुलदीप नैयर कहते हैं कि जेपी और इंदिरा की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। जेपी की परिवर्तन की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही थी। जेपी खुलकर सामने आ गए थे। वे इंडियन एक्सप्रेस की मदद से फ्रीमैन प्रकाशित करने लगे थे। इससे इंदिरा गांधी और घबरा गई। तब तक उनके सिर पर इलाहाबाद का फैसला ब्रज बनकर गिर पड़ा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। उन्हें 6 वर्ष के लिए किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने किचन कैबिनेट के नेताओं से मंथन और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था। जयप्रकाश नारायण समेत अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। इसके बाद शुरू हुआ गैर कानूनी और अवांछनीय गतिविधियों का सिलसिलेवार सिलसिला। हजारों निर्दोष लोगों को अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इंदिरा गांधी ने बिना कोई असफाई दिए सिर्फ अपने आप को कोर्ट के फैसले से बचाने के लिए एक खतरनाक सियासी कदम उठा लिया था। स्वर्गीय कुलदीप नैयर इमरजेंसी की शुरुआत सेक्शन में पृष्ठ संख्या 274 पर जिक्र करते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री के घर जश्न का माहौल था। 26 जून की रात का पूरा ऑपरेशन बिना किसी अड़चन के पूरा हो गया था। मजदूरों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस और जनसंघ के नानाजी देशमुख और सुब्रमण्यम स्वामी अंडरग्राउंड हो गए थे। अन्य सभी को हिरासत में ले लिया गया था। संजय गांधी ने अपनी मां से इस मौके पर कहा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस नेता और संजय गांधी के विश्वास पात्र बंसी लाल ने भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई भी उनके खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं करेगा। इलाहाबाद के जस्टिस को ठीक करने का संदेश भेजा जा चुका था। उनके करियर से जुड़े सभी कागजातों की बारीकी से जाँच की गई। उनके संबंधियों को भी परेशान किया जाने लगा। पुलिस 24 घंटे जस्टिस सिन्हा की निगरानी करने लगी। उसी दौरान इंदिरा के किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे इंद्र कुमार गुजराल को संजय गांधी ने फोन कर प्रेस को दुरुस्त करने का हुक्म दिया। गुजराल अपना संयम खोज बैठे। उन्होंने कहा कि वे उनकी मां के सहकर्मी थे, न कि उनके। संजय ने तुरंत गुजराल का योजना आयोग में तबादला कर दिया और उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय विद्याचरण शुक्ल को सौंप दिया गया। इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव पीएन हक्सर पहले ही मुंह खोलने की सजा पा चुके थे। उन्हें हाशिए पर भेजा जा चुका था। हालांकि इंदिरा गांधी थोड़ी घबराई हुई थी। उन्हें पता था कि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। फिर ज्यादातर राज्यों के सीएम की रिपोर्ट थी कि स्थिति नियंत्रण में। दिल्ली की सड़कों पर भय का माहौल था, फिर भी ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। स्टेटस मैन के जाने माने फोटोग्राफर रघु राय ने उसी वक्त एक तस्वीर छापी थी जिसमें एक आदमी 2 बच्चों के साथ साइकिल पर जाते हुए दिखाई दे रहा था। पीछे पीछे एक औरत चल रही थी। चारों तरफ पुलिस दिखाई दे रही थी। नीचे कैप्शन के रूप में लिखा था कि चांदनी चौक में जनजीवन बिल्कुल सामान्य। कुलदीप नैयर ने लिखा कि इस तस्वीर के संदेश को न पहचान पाने वाले सेंसर अधिकारी का अगले दिन तबादला कर दिया गया। 4 दिसंबर 1976 को जेपी की हिरासत हटा दी गई। जेपी चंडीगढ़ में नजरबंद थे। वहां के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार को लिखा कि उनकी सेहत गिरती जा रही थी। यह रिपोर्ट घूम फिरकर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल की मेज पर पहुंच गई। उन्होंने इसे देखकर बड़ी लापरवाही से कहा, ससुरे को मरने दो। हालांकि जेपी से सभी प्रतिबंध हटा लिए गए, उन पर कड़ी नजर रखी जाती रही।
सरकारी जासूस उनके पीछे लगा दिए गए। उनकी गतिविधियों, उनसे मिलने जुलने वालों और उनके पत्र व्यवहार की निरंतर निगरानी की जाती रही। जेपी से अभी भी इंदिरा गांधी को डर लग रहा था। वहीं उनके चेले चपेटे खुश करने के लिए जेपी पर अतिरिक्त निगाह रखते थे। सभी लोग अपनी रिपोर्ट संजय गांधी और इंदिरा गांधी तक पहुंचाते थे। कुलदीप नैयर ने अपना अनुभव बयां करते हुए लिखा है कि एक दिन जेपी की जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी खुद को हिमालय की चोटी महसूस कर रही थी। ये स्वाभाविक भी था, उन्हें दुर्गा कहा जा रहा था और वे सचमुच अपने आप को शक्ति का प्रतीक समझने लगी थी। दोस्तों, कैसी लगी जयप्रकाश नारायण से जुड़ी कुछ रोचक बातें, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।